उल्टी सीधी बात चलती है। क्या क्या विचार आते हैं दिमाग में? उल्टी सीधे विचार आते हैं कि इससे तो वैसी बीमारी होगी, इससे मर जाना ठीक है, ये वो है, ऐसा फील होता है। महसूस हुआ कुछ? हाँ, बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। कर दोस्तों, एस की हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। ये रवि जी हमारे पास आए हैं तो कुछ एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि ये करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इनके पेट में समस्या चल रही है, तो यहाँ पे जो इनके इन्होंने बताया यहाँ पे दर्द हो रही है, तो हमने चेक करी इनकी नाभि जो है कम से कम नहीं तो 2 इंच ऊपर है, 2 इंच ऊपर है, तो इनको सबसे पहले जो है नौका आसन जो बताया गया था वो नहीं करना है। कारण उसका ये है कि इनका पेट जो है अभी बहुत वीक है, ठीक है जी, उसकी वजह से आपको भी नहीं करना है। आपको करना है अभी उल्टा हो जाइए, हाँ उल्टे हो जाइए। अब आप चेक मेरे को दिखाइए, देखिए, हाँ देखिए, धड़ को उठाना है, हाँ। अब ये जितना हो सके उतना सिर्फ होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, और वैसे जितना हो सके उतना ही होल्ड करना है, बस छोड़ दो आप, ठीक है जी। और आप अब सीधे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने ये जो अभी जो धनुरासन किया है इसके 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। अभी आप जैसे रिलैक्स कर लोगे, रिलैक्स कर लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 15 सेकंड का रिलैक्स ले लो, गहरी सांस लो, रिलैक्स लो, उसके बाद फिर धनुरासन 3 बार करना है, 3 सेट करने हैं। 3 सेट करने के बाद आपने अभी जो मैंने बताया कि नौका आसन नहीं करना, कारण उसका ये आपकी जो आते हैं वो कमज़ोर हो चुकी है, सूज जाएगी, सूजन और बढ़ेगी अभी नौका आसन से, तो नौका आसन नहीं करना है अभी, ठीक है। आप कर सकते हो अपने पैरों को, एक पैर को अपने नाक में लगाइए, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है, जितना हो सके, ज़रूरी नहीं आपने 1 मिनट ही करना है, 30 सेकंड कर सकते हैं, 15 सेकंड कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता के हिसाब से करना है। फिर आप दूसरा पैर कर सकते हो, दूसरा पैर करिए, जितनी क्षमता हो क्षमता के हिसाब से आप करिए, ठीक है। और ये भी आपने 3 सेट लगाने हैं, 3 सेट लगाने का मतलब है जैसे 15 सेकंड का आपने रेस्ट ले लिया या 30 सेकंड का रेस्ट ले लिया, उसके बाद अगर आप थक गए तो ये दोबारा प्रक्रिया आपने 3 सेट की करनी है। उसके बाद कौन सा करना है, दोनों पैरों को नोज़ में लगाना है, अपने नोज़ में लगाना है, जितना हो सके उतना ही होल्ड करना है, ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, वो नुकसान दे सकती है। ये भी आपको 3 सेट लगाने हैं, सिर्फ 3 सेट, बहुत है 3 सेट, ठीक है जी। अब इसको रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे मोड़िए, पैरों को, हाँ नहीं पैरों को बिल्कुल, अब अपनी, हाँ इसको उठा लीजिए ऊपर से, हाँ इसको उठाइए, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आपकी नाभि कहीं पे भी होगी, ये आपकी नाभि पे, आपकी जो धुनी पे आ जाएगी। ये क्या होता है कि आपकी जो टेंडेंसी बन जाती है व्यक्ति की कि नाभि बार बार हिलती है, तो इस आसन को, इन आसनों को डेली बेस में करोगे तो वो अपनी जगह पर धीरे धीरे सेट हो जाएगी। अब ये भी उतना ही करना है जितना आपकी क्षमता है, ज़्यादा नहीं करना, आपकी क्षमता है बस इतना कर दो। अब रिलैक्स कर लो, 15 सेकंड कर लो या 30 सेकंड कर लो, ठीक है, रिलैक्स कर लिया। अब आप फिर उसके बाद यही प्रक्रिया 3 बार करनी है, 3 बार करनी है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, जितनी आपकी क्षमता है, ज़्यादा करोगे तो परेशानी आपको होगी ही होगी। दूसरा, माइंड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपनी पिंडलियों की मालिश करनी है। आपने क्या करना है, पिंडलियों की डेली बेस में मालिश करनी है, ठीक है जी। पिंडलियों की मालिश करोगे या फिर बॉडी की, नहाने से पहले आप 15 मिनट पहले मालिश करो, सरसों के तेल की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी बॉडी की मालिश करोगे तो इससे आपका जो वात रोग है वो दूर होगा धीरे धीरे, ठीक है। सुबह टाइम पर उठना है, अपना सुबह टाइम पर खाना है, जो मैंने फार्मूला बताया है आपको वो फार्मूला अपनाना है, ठीक है जी। कुछ एक दो घर के घरेलू नुस्खे हैं, वो जो बताया आपको वो फॉलो करने हैं। अब आप, हाँ इसको, ये वाला आसन भी आप करो ट्राई डेली, इससे भी आपकी जो नाभि है वो देखो धीरे धीरे, हाँ पीछे की तरफ आप झुकेंगे, और अगर नहीं झुका जाता तो यहीं स्टॉप कर देंगे, जिससे झुका जाता है वो पीछे तक जा सकते हैं,
देखो ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, कारण इन पैरों को ना खोलिए आप, हाँ इनको पैरों को बाहर की तरफ ले आओ, पैरों को हाँ ये बाहर की तरफ करो इसको, हाँ उसको भी बाहर की तरफ कर लो, हाँ ये देखिए, हाँ बल अब बस इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है, बस जितना हो सके उतना करिए, इसको ज़्यादा नहीं करना आपने, इसको भी 3 सेट लगाने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाने हैं, आपकी नाभि देखता हूँ मैं, देखता हूँ 1 हफ्ते के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप रेगुलर अपने नियम पर अटे रहोगे, डटे रहोगे। उसके बाद इसको भी 3 सेट लगाने हैं, अब आप अपनी पोजीशन पर आ जाइए। अब क्या करना है, एक और आपको मैं बता रहा हूँ, हो पाएगा तो ज़रूर करिएगा, आप आलती पालती मार लीजिए, हाँ अब इसको वो वाला पैर ऊपर रखिए, वो ये वाला दूसरा ऊपर रखिए, हाँ वो ठीक कर रहे हो आप, उसको उसके ऊपर रखिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पीछे की तरफ मूव करना है, हाँ पीछे की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपने अपने अंगूठे पकड़िए, हाँ अब देखो आपको रिलैक्स फील होगा, आपके हालांकि आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा अभी, ठीक है, अगर आप फ्लेक्सिबल हो गए हो तो नहीं होगा इसको। अब माइंड को इतना शांत रखना है कि आपको कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, माइंड को उलझा के नहीं रखना है बिल्कुल भी, दिमाग को बिल्कुल सुलझा हुआ रखना है, अगर आप उलझे हुए रहोगे तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, कुछ नहीं है, बस ये सोचो कि मुझे छोटी सी नाभि की प्रॉब्लम थी वो मैं सेट कर रहा हूँ, इस चीज़ को सोच के चलिए, जितना हो सके उतना करना है, फिर आप दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं, ठीक है जी। और इसको भी 3 सेट ही करने हैं, ठीक है, 3 सेट करने हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बोले कि हमने इमिडिएटली कुछ खाना है या कुछ करना है तो ऐसा नहीं, कुछ भी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये उनके लिए होता है जिनकी जैसे नाभि 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन तक टली हो, आपको तो 5 साल हो गए, तो इसको आप सोचिए कि 5 साल आपको इस दिक्कत को हो गया है, तो इसको सुलझाने के लिए आपको समय लगेगा, ठीक है, तो इसको आपने रेगुलर बेस में करना है। आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो IBS या फिर नाभि की समस्या से परेशान है, जो मैंने आपको समझाया, कुछ क्या क्या समझ आया आपको? ये है कि टाइम पे सोना और अपने एक नियम बना लो, सुबह 6 बजे सूर्य उदय से पहले निकलना, जिससे हमारा शरीर रूटीन में आ जाएगा जी। अब आपका सबसे ज्यादा गंदा रूटीन क्या था? ये लेट से टूटते हैं क्योंकि शिफ्टों में ड्यूटी है, हाँ उसकी वजह से रूटीन खराब हो गया, चेक कैसी लगा लो, दिमाग में जो चलता है वो उल्टी सीधी बात चलती है, क्या क्या विचार आते हैं दिमाग में, उल्टे सीधे विचार आते हैं कि इससे तो वैसी बीमारी होगी, इससे मर जाना ठीक है, ये वो है, ऐसा फील होता है। आके कुछ रिलीफ मिला बात करके, दिल हल्का हुआ कुछ? हाँ महसूस हुआ कुछ? हाँ बढ़िया, अच्छा लगा, ठीक है। और आप क्या जनता को, हमारी दोस्तों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? दोस्तों को कहता कि योगा की ओर ध्यान दें, और किसी भी उसकी ऐसे कि वो गलत विचार लाने की वो जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जितने गलत विचार लाओगे आप दिमाग में, जितने गलत विचार आए, टेंशन रहोगे उतने ही आप बीमार रहोगे। बिल्कुल, टेंशन को लेना नहीं है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, 100 बार सोच लो चाहे 1000 बार सोच लो, जो भगवान ने आपके लिए रचा है वो होना ही होना है, ठीक है जी, तो उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, तो हम सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है जी। तो आप चाहे 100 बार सोच लो, जो मोबाइल पे जो ज़्यादा सर्च करते हैं, जो मोबाइल में सारा दिन देखते रहते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे, ये उसकी सबसे बड़ी जड़ है, ठीक है जी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप जल्दी ठीक हो,